देखिए बोलबम का बाबा नगरिया दूर है, जाना जरूर है। देखिए देखिए नाव पे भी गाना बज रहा है। देखिए यहाँ पे SBI का ATM है, अभी यहाँ पे भी एक ICICI बैंक का ATM, आगे जो बड़ा वाला गेट दिख रहा है बिल्कुल सीधा ही वो सीढ़ी घाट नया बना हुआ। सुरक्षित है और बस लगने के बाद जहाँ तक बस लगा है वहाँ तक नहाने के लिए बहुत अच्छा व्यवस्था। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपके हमारे एक नए ब्लॉग में। फ्रेंड्स देखिए सुबह के बज रहे हैं 10 और अभी हम चल रहे हैं सुल्तानगंज, मतलब सुल्तानगंज जा रहे हैं क्योंकि अभी सावन का टाइम चल रहा है तो थोड़ा कांवड़िए लोग का भी हेल्प हो जाता है। तो अभी हम चल रहे हैं घर से सुल्तानगंज, तो आप लोग को दिखाएंगे जो कांवड़िया बस से आते हैं उनको घाट कैसे जाना होता है, कहाँ उतरना होता है, बस पार्किंग कहाँ किया जाता है। तो चलिए आप लोग हमारे साथ ब्लॉग के साथ बने रहिएगा, जितने कांवड़िया हैं वो देख लीजिए। और एक नया सीढ़ी घाट बना है जो सबसे सुरक्षित सीढ़ी घाट है, तो हम आपको वहाँ तक भी लेके चलेंगे, तो आप लोग हमारे ब्लॉग के साथ बने रहिएगा। तो चलिए चलते हैं और इन्जॉय करते हैं और सावन का भी आपको दिखाएंगे कैसे कांवड़िया लोग कांवड़ लेके बिल्कुल झुंड में चलते हैं। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग के साथ, मिलते हैं आपको सुल्तानगंज में। ये आपका मुंगेर सुल्तानगंज वाला रूट है जो बैली ब्रिज होते हुए गुजरती है, तो रास्ते में ये सब दुकान है आप लोग के लिए भी, यहाँ पे आप लोग यहाँ पे ठहर सकते हैं, यहाँ पे भी बस बस लगा सकते हैं आप लोग। इसी रास्ते में आपको यहाँ पे देखिए पेट्रोल पंप भी मिल जाएगा, यहाँ पे पेट्रोल पंप है और यहाँ पे दुकान भी है कांवर का, तो पेट्रोल लेना हो या डीजल लेना हो तो यहाँ पे आपका पेट्रोल पंप है। तो देखिए मुंगेर और सुल्तानगंज रूट में जब आइएगा, बस वाले जितने देख रहे हैं कांवरिया लोग, तो देखिए यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे देखिए बस का पार्किंग एरिया बनाया गया है, जो भी बस आता है यहाँ पे पार्क हो जाता है सब। देखिए यही है बस का पार्किंग एरिया, जितने भी गाड़ी आती देखिए यहाँ पे सही पार्क हो जाते हैं। और यहाँ से कांवरिया को पैदल जाना पड़ता है, तो आप लोग ब्लॉग के तहत बने रहिएगा, यहाँ से आप लोग को आगे का रास्ता दिखाएंगे कि कैसे मतलब पैदल यहाँ से जाया जाता है। देखिए बहुत सारे कांवरिया उतरे हुए हैं, देखिए सब दुकान कांवरिया, हम लोग सुल्तानगंज पहुँच चुके हैं। हम यहाँ से आप लोग को पैदल यात्रा करवाएंगे कैसे यहाँ से कहाँ जाएगा। तो देखिए ये है किशगढ़ चौक, तो यहाँ से आपको चलना होगा घाट की ओर, तो यहाँ से चलना है बाएं की ओर। तो चलिए ब्लॉग के साथ बने रहिएगा, ये रूट सीधा चला जाता है घाट रोड, मतलब सीढ़ी घाट की ओर चला जाता है ये सीधा। और इधर जो देख रहे हैं कांवड़िया लोग जा रहा है, तो इधर भी आप लोग को मिलवाएंगे, लेकिन फिलहाल अभी चलते हैं हम लोग घाट के रोड, जिधर चलते हैं उधर लेके आप लोग को चलते हैं। देखिए कांवड़ियों के लिए यहाँ पे पानी का भी व्यवस्था किया गया है, पैर वैर भी धो सकते हैं, देखिए पानी चल रहा है निःशुल्क पेयजल। ये यात्रा है पैदल जाने वाले यात्री का, और अभी हम चल रहे हैं इसी रास्ते से भी आप लोगों को सीढ़ी घाट का भी रास्ता दिखाएंगे जो बिल्कुल सुरक्षित घाट है। देखिए धूप भी बहुत तेज है लेकिन फिर भी कांवड़िया लोग रुक नहीं रहे हैं, कांवड़िया लोग जा रहे हैं, देखिए छोटू छोटू हम सब जा रहे हैं। देखिए बोलबम का नारा, इतना तेज धूप है फिर भी बोलबम जा रहे हैं सभी। ये भोले बाबा का आस्था है जो सबको बुला रहे हैं, भक्ति है भोले बाबा का ही है। देखिए रास्ते में चलते चलते यहाँ पे एक डाकघर है, यहाँ पर ये डाकघर याद रखिएगा, अगर भूल जाते तो ये डाकघर से भी आगे चलना है अभी। और यहाँ देखिए लिखा गया है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे का नाम है पता अवश्य लिखवाएं। तो चलिए अभी चल रहे हैं, और ये देखिए महिला हमको कैसे बच्चे गोद में लेके बाबा धाम जा रही हैं। देखिए बोलो हमका बाबा नगरिया दूर है, जाना जरूर है। देखिए अगल बगल दुकान भी सजा हुआ है बहुत सारा सभी कांवड़िया के लिए, और देखिए धूप इतना है, पानी का व्यवस्था यहाँ पे भी किया गया। और देखिए कांवड़िया लोग गंगा जल में स्नान करने के बाद देखिए यहाँ भी स्नान कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे निःशुल्क पानी भी पिलाया जा रहा है। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, देखिए चलते चलते आइएगा तो यहाँ पे एक टाउन बाजार भी आपको मिलेगा।
और देखिए जो कांवड़िया आएंगे उनको अगर ठहरने का व्यवस्था चाहिए तो यहाँ पे देखिए एक होटल है और साथ में इस पे एक्सिस एक बैंक भी है यहाँ पर। देखिए आपको दिख रहा है इंद्रपुरी रेस्ट हाउस, तो यहाँ पे ठहरने का उत्तम व्यवस्था है। देखिए यही है इंद्रपुरी रेस्ट हाउस, यहाँ पे आप लोग ठहर सकते हैं। तो चलिए अभी हम लोग पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। तो देखिए इस रास्ते में चलते चलते आप लोग को यहाँ पे एक SBI का ATM भी मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे SBI का ATM है, अभी सावन के टाइम में बिल्कुल सभी खुला रहता है। तो चलिए देखिए कांवड़ियों का देखिए कितना जत्था रवाना हो रहा है। तो चलिए आप लोग ब्लॉक के साथ बने रहिए, अभी सीढ़ी घाट आप लोग को एकदम बिल्कुल सुरक्षित सीढ़ी घाट दिखाते हैं कौन सा है, जो भी हाल फिलहाल में ही 2-3 दिन पहले जिस दिन सावन का उद्घाटन हुआ था उसी दिन उस सीढ़ी घाट का भी उद्घाटन हुआ है। यहाँ पे भी एक ICICI बैंक का ATM, तो ATM यहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं हैं ATM की, तो कांवड़िया लोग चिंता ना करें ATM के लिए। देखिए हम लोग चौक पे पहुंच गए और चौक से हम लोग को मुड़ जाना है बाएं, तभी आप सीढ़ी घाट पहुंच पाइएगा बिल्कुल सुरक्षित घाट। तो यह है सुल्तानगंज चौक, यहां से हमें इधर मुड़ना है बाएं। तो चलिए अभी आप लोग ब्लॉग के साथ बने रहिएगा, अब दिखाते हैं भीड़ आप लोगों को। तो देखिए घाट के बिल्कुल नजदीक आ गए हैं, यहाँ पे खाना पीना भी आप लोग खा सकते हैं। देखिए ये बिल्कुल घाट के नजदीक आ गए, देखिए यहाँ पे खाना पीना भी मिलेगा सभी का। और देखिए ये जो गेट दिख रहा है बिल्कुल इसके सीधे चले जाना है, सीधे चले जाइएगा बिल्कुल सुरक्षित घाट है। चलिए आप लोगों को उस घाट तक लेके चलते हैं। और यहाँ देखिए बाबा भोजनालय, तो इस सीधे जो सीधा रूट है ये चला जाता है आपका न्यू सीढ़ी घाट, मतलब जो उद्घाटन किया गया है। तो देखिए लगभग कांवड़िया इधर से जल उठाते हैं। तो चलिए हम लोग देखिए पहुंच चुके हैं, पुराना सीढ़ी घाट आपका इधर है, तो नया सीढ़ी घाट हम आप लोगों को लेकर चलते हैं जो बिल्कुल सुरक्षित है। और इधर ही विद्युत जिस दिन सावनी मेला का उद्घाटन हुआ था उसी दिन उस सीढ़ी घाट का भी उद्घाटन किया गया। तो देखिए कांवर लेके जा रहे हैं सभी बोलबम सब देवघर, और इतनी तेज धूप में जल उठाए हैं। देखिए आगे जो बड़ा वाला गेट दिख रहा है बिल्कुल सीधा ही वो सीढ़ी घाट नया बना हुआ है, ये उधर भी गेट है और मेन गेट ये बना हुआ है आपका सामने। तो चलिए आपको अंदर का थोड़ा दिखाते हैं व्यू, घाट का रास्ता है। चलिए ब्लॉग के साथ बने रहिए और अभी आप लोग को ले चलते हैं अब सीढ़ी घाट पर। देखिए अंदर आने के बाद ऐसा कुछ नजारा है, ऐसा कुछ नजारा है आपका अंदर आने के बाद। तो देखिए ये घाट आप लोग के लिए बिल्कुल सुरक्षित बनाया गया है, देखिए हाल फिलहाल के 2 दिन पहले भी उद्घाटन किया गया इस घाट का, जो कि ये घाट बिल्कुल सुरक्षित है। तो जितने भी कांवड़िया लोग आएंगे तो इसी घाट पर ही आप लोग स्नान करेंगे आके। देखिए अभी 2 दिन पहले इस घाट का उद्घाटन किया गया है और यहाँ पे व्यवस्था ही बहुत अच्छा है, सीढ़ी वीढ़ी भी देखिए बना हुआ है और बहुत सारे कांवड़िया देखिए जल भर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, संकल्प कर रहे हैं। देखिए आप लोग को व्यू दिखा दे, देखिए कांवड़िया तो बिल्कुल बहुत सारे आ गए हैं यहाँ पर। और सावन का इस पावन त्यौहार पावन दिन पर देखिए कितने कांवड़िया आए हुए हैं। और यही वो न्यू सीढ़ी घाट है जिसके बारे में आप लोग को हम बताए थे शुरू से, ये घाट बिल्कुल सुरक्षित है, तो आप लोग आए इसी घाट से आप लोग जल उठाएं, इस घाट को खोल दिया गया है।
कल्प कराया जा रहा है, सभी कांवरिया उठा रहे हैं कांवर। और धूप भी देखिए बहुत ज्यादा है, देखिए धूप। संकल्प यहाँ पे करने के बाद यहाँ से उठाते हैं जल सभी। आप लोग को दिखा देते हैं, यहाँ पे बिल्कुल सीढ़ी वीढ़ी बनाया गया है। तो नया घाट का उद्घाटन हुआ है, जिस दिन सावनी मेला का उद्घाटन हुआ था, तो देखिए सभी कांवड़िया आके यहीं से जल उठाएं, क्योंकि ये घाट बिल्कुल सुरक्षित किया गया है। इसको SDRF का टीम देखिए वहाँ बाहर मतलब पानी में भी घूम रहे हैं कि किसी प्रकार की कोई हानि ना हो, किसी प्रकार कोई नुकसान ना हो। तो आइए, बिल्कुल ये घाट सुरक्षित है सभी के लिए, बच्चे बूढ़े जितने भी कांवड़िया आएंगे सभी यहीं से जल उठाएंगे। और देखिए यहाँ पे भी देखिए कांवड़ियों का जत्था, सावन आते ही यहाँ पे कांवड़ियों का भीड़ लग जाता है। तो देखिए यहाँ पे संकल्प करके यहाँ से कांवर उठाएंगे हम सब। देखिए ये नियम है यहाँ का, देखिए कितने घाट पे नहा रहे हैं लोग। और हर जगह बैरिकेडिंग किया गया, देखिए बैरिकेडिंग किया गया है। तो बांस जो दिया गया उस बैरिकेडिंग के बाहर जाके ना नहाएंगे कोई भी, बांस के इस साइड नहाएंगे तो वो बिल्कुल सुरक्षित है, उसके पास जाने नहीं जाना नहीं है। चलिए हमारे साथ एक भैया बाबा हैं, इनसे पूछते हैं कि ये जो नई सीढ़ी घाट है कैसा लगा आपको, आपको नहाए यहाँ पर? अच्छा ही ना। चलिए सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। क्या नाम? अंकित। अंकित कहाँ से आए आप? पटना से। देखिए पटना से आए हुए हैं, और जो नई सीढ़ी घाट का, हम देखिए हम तो नहाए नहीं है, लेकिन ये भैया बाबा नहाए हैं, इनको पता होगा कि सुरक्षित है या नहीं। आप सुरक्षित है, और बांस लगने के बाद जहाँ तक बांस लगा है वहाँ तक नहाने के लिए बहुत अच्छा व्यवस्था है। देखिए बता दिए आपको, हम बताए भी थे कि बांस बैरिकेडिंग के अंदर ही नहाना है, बाहर नहीं जाना है। बैरिकेडिंग तक जितना है ना नहाने के लिए, सबसे जितना नहा सकते हैं अपेक्षा भर उतना दिया हुआ है। ठीक है, और आज आप जल उठा रहे हैं यहाँ से? जी। धूप भी बहुत ज्यादा तेज है। चलिए अब आपका जयकार मंगल में रास्ता करें। देखिए बहुत सारे कांवड़िया यहाँ पे जल उठा रहे हैं। तो देखिए पानी में फोटो भी खिंचाया जा रहा है यहाँ पर। तो बता दें कि ये घाट बिल्कुल सुरक्षित है आप लोगों के लिए, जितने भी कांवड़िया आएंगे। ये नई सीढ़ी घाट का उद्घाटन किया गया है श्रावणी मेला के ही दिन, जिस दिन श्रावणी मेला का उद्घाटन था, तो ये सीढ़ी घाट बिल्कुल सुरक्षित है। देखिए थोड़ा आप लोगों को व्यू दिखाते हैं नजदीक से। देखिए ये गंगा घाट, बहुत कांवड़िया है, लाखों लाखों की संख्या में कांवड़िया है। देखिए हर जगह बस बोलबम ही बोलबम। तो ये घाट बिल्कुल सुरक्षित घाट है आप लोगों के लिए, यहीं पे आके आप लोग स्नान करें और यहीं से बाबा धाम के लिए जल उठाएं। देखिए यहाँ पे सीढ़ी बनाया गया है, नया ही उद्घाटन हुआ है ये। देखिए नाव पे भी गाना बज रहा है। चलिए तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे कांवड़िया, देखिए यहाँ पे पंखा चल रहा है और इसके नीचे आराम कर रहे हैं सभी। तो देखिए आइए यहाँ पे कुछ बातें करते हैं थोड़ी। देखिए यहाँ पर सभी कांवड़िया आराम कर रहे हैं और पंखा भी चल रहा है, तो तैयारी पूरी अच्छे तरह से की गई है यहाँ पर। तो आइए देखिए कुछ कांवड़िया लोगों से बातें करते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं। देखिए बिल्कुल आराम फरमाया जा रहा है, ठंडा ठंडा मौसम किया गया, मतलब ठंडा बनाया गया यहाँ पर, घाट के बगल में ही यहाँ पे बनाया गया है इस टेंट को, ताकि कांवड़िया लोग आराम कर सके। तो चलिए कुछ कांवड़िया लोगों से बातें करते हैं और उसके बाद पूछते हैं कि यहाँ पे आराम फरमाने में, मतलब ये जो सीढ़ी घाट बना हुआ है नया वाला, इनसे वो जो पहले वाला घाट था उससे अच्छा है या फिर खराब है। चलिए यहाँ पे आए हुए हैं, कहाँ से आए हुए हम जी आप? जी देखिए आरा से आए हुए हैं, और देखिए यहाँ पे जो व्यवस्था किया गया है इससे कोई दिक्कत तो नहीं है, मतलब यहाँ पे जो व्यवस्था किया गया है अच्छा व्यवस्था किया गया। आप पहली बार आए हुए हैं यहाँ पर? अच्छा 10 साल के बाद। तो उधर सीढ़ी घाट बना हुआ था? ये कुछ नहीं था, ये सब कुछ नहीं था। नहीं नहीं, ये जो नया सीढ़ी घाट बना है ये अच्छा बनाया गया है, बढ़िया हुआ पहले की अपेक्षा। देखिए पहले की अपेक्षा बहुत अच्छा किया गया। देखिए आप लोग जितने भी कांवड़िया हैं सभी से अनुरोध करते हैं कि जो भी आए इसी सीढ़ी घाट पर ही अपना नहाएं और यहीं से बाबा जी का जल उठाएं। देखिए एक माता बम भी है यहाँ पे, इनसे ही बातें करते हैं। स्वागत है माता बम, कहाँ से आए हैं आप? देखिए सिवान जिला से आए हैं। तो आप पहली बार आए हैं या फिर आते रहते हैं आप? पहली बार आए हैं। तो ये जो यहाँ का जो सुरक्षा व्यवस्था देख रहे हैं अच्छा किया है यहाँ पर? देखिए आप लोग के लिए ही हम लोग का ये यहाँ पे ये सुरक्षा व्यवस्था किया गया है, हमारे सरकार जो किए हैं, तो इससे कोई नाराजगी तो नहीं है ना?
देखिए कोई नाराजगी नहीं है, देखिए बहुत सारे बम आए हुए हैं और लाखों लाखों की संख्या में आए हुए हैं देखिए, और सभी पंखे के नीचे आराम फरमा रहे हैं। तो चलिए देखिए आप लोग को बता दिए, जितने भी कांवरिया हैं सभी आके इसी घाट पर आके स्नान करें, जो ये घाट बिल्कुल सुरक्षित है। देखिए ये सामने आपको घाट दिखा देते हैं, ये घाट बिल्कुल सुरक्षित है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ से चलते हैं, और देखिए यहाँ पे सहायता केंद्र भी बनाया गया है, सूचना केंद्र इधर है, नियंत्रण कक्ष जहाँ पर अस्थायी चिकित्सक सेवा और सहायता केंद्र इधर है। तो देखिए जिधर भी जो आते हैं अपना देख लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो देखिए नई सीढ़ी घाट के बिल्कुल जस्ट सामने जो डाक बम होते हैं, देखिए यहाँ पे पर्ची कटता है डाक बम का, देखिए यहाँ पे लिखा गया है डाक बम का जो पर्ची कटाइएगा, पर्ची काउंटर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल 10 काउंटर बनाया गया है यहाँ पर। तो आप लोग आए यहीं पे पर्ची कटाएं, और जो ये नई सीढ़ी घाट बना है इसके जस्ट साइड में देखिए सीढ़ी घाट जाने का रास्ता है, और इसके जस्ट बगल में ये बनाया गया है टेंट पर। तो चलिए तो देख लिए फ्रेंड्स, देख लिए कांवरिया सभी कि आप लोग को सुरक्षित घाट बता दिए कौन सा है। तो जहाँ से हम चले थे और यहाँ तक मैं आपको बता दिया कितना सुरक्षित घाट है। आई होप आप लोग को ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। तो चलिए कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।